हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशीर्वा। फिर से आपका स्वागत है आशीर्वाद में। आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा प्राणायाम करना सिखा रही हूँ जो कि आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन यानी कि शुद्ध करने में मदद करेगी। जब आपकी ये जो नाड़ियाँ हैं, जो 72,000 नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, वो अंदर से साफ हो जाएगी तो इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, साथ ही साथ आप तरह तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब कि आपकी जो सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा आप हाँफते हैं, अगर आप ज़्यादा देर भागते हैं और आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, या आप किचन में काम करती करती भी बहुत ज़्यादा आपकी जो सांसें हैं वो तेज़ तेज़ चलने लगती है, भारीपन आपको महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये जो आपको आज मैं प्राणायाम बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, ये आपकी बहुत हद तक मदद करेगा इन चीजों में भी। साथ ही साथ ये आपको अंदर से आपकी बॉडी को साफ करेगा। अगर आपकी 72,000 नाड़ियां ही अंदर से साफ हो जाए, इन्हें हम डिटॉक्स कर दें, तो आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, साथ ही साथ तरह तरह के जो बीमारियां अंदर पनप रही है शरीर के, जो अभी आपको दिखाई भी नहीं दे रही है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जब हमारी ये नाड़ियां शुद्ध होगी। तो आज हम वही हमारी नाड़ियों का शोधन करेंगे और हम करेंगे नाड़ी शोधन। ये जो नाड़ी शोधन है, इसका नाम ही नाड़ी शोधन इसीलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर की सारी नाड़ियों को स्वच्छ करती है, शुद्ध करती है। तो इसको अगर हम रेगुलर करेंगे तो इससे हमें सोच सकते हैं आप कितने फायदे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसको करने का सही टाइमिंग कितना है, आप कितनी देर के लिए करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करना चाहिए, ये सभी कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं और सीखते हैं हम एक ऐसा प्राणायाम जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले और प्राणायाम सीखने से पहले एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नाड़ी शोधन बनाने के लिए और करने के लिए इस तरीके से आप अपने मैट पर बैठ जाइए, ठीक है। चलिए सीखते हैं। अपने अंगूठे से अपने एक नॉस्ट्रल को आपको बंद कर देना है। लंबी गहरी सांस लोगे, ब्रीद इन। अब क्या करना है आपको, अपने चुटकी अंगुली के पास की जो दो फिंगर है उसे आपसे आपको लॉक करना है अपने दूसरे नॉस्ट्रल को इस तरीके से। अंगूठे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब हमने जिस नाक से सांस छोड़ी है अब हमें उसी से वापस लेना है, बहुत इजी तरीका है। ब्रीद इन, कम से कम 6 सेकंड के लिए आपको सांस को होल्ड करना है, दोनों नॉस्ट्रल बंद। दूसरे नॉस्ट्रल से अब हमें सांस को छोड़ देना है धीरे धीरे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, जिससे छोड़ा उससे लो, breathe in, lock, and release. Again repeat करेंगे, जिससे हमने सांस छोड़ी उस नॉस्ट्रल से हमें सांस को लेना है, breathe in, lock, दोनों नॉस्ट्रल हमें बंद करनी है, and breathe out. Breathe in, nostril बंद, breathe out, breathe in, lock and breathe out, relax. चलिए अब आप मेरे साथ करेंगे, हम क्या करेंगे इसे रेशो में बांट देंगे। हमें कम से कम क्या करना है, आपको रेशो में किस तरह से बांटना है, आपको 2 सेकंड के लिए आपको सांस लेनी है, 4 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है और 6 सेकंड के लिए आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। चलिए काउंटिंग के साथ करते हैं, ब्रीद इन, लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको काउंटिंग नहीं करनी है, रिलीज, 1, 2, 3, 4, ब्रीद इन,
होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलीज 1, 2, 3, 4 ब्रीद इन होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलीज 1, 2, 3, 4 अगेन रिपीट 1, 2 होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलीज 1, 2, 3, 4 रिलैक्स। इस तरीके से ये आपको कब करना चाहिए, सुबह उठते ही आप कर सकते हैं या रात को सोने से पहले भी आपको कर लेना चाहिए। ये इसका टाइमिंग है, कितनी देर के लिए करना चाहिए। 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इसे 15 मिनट तक ले जाइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये नाड़ी शोधन आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, आपकी गंदगी को साफ करता है, इससे आपके बॉडी की अधिकतर हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो आप इसे रोजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 21 दिन के बाद आप देखिएगा आपकी बॉडी के अंदर कितना अच्छा आपको फर्क देखने को मिलता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो, साथ ही साथ आपने ये साथ में मेरे साथ किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फैमिली मेंबर्स और अपने उन खास लोगों को जिनको आप हमेशा हेल्दी देखना चाहते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट रहने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, शो भी हो रहा होगा वहां पर भी आ सकते हैं। साथ ही साथ एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।